Good morning friends and welcome to my YouTube channel Gardening Lessons. Friends, this is my first video on this Gardening Lessons. Friends, मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह प्लास्टिक की जो वेस्ट बॉटल होती है जो थम्स अप और पेप्सी की हमारे घर में आती है हम उनका किस तरह से यूज कर अच्छे अच्छे प्लांटर्स बना सकते हैं. फ्रेंड्स, मैंने ये सारे प्लांटर्स प्लास्टिक की पड़ी हुई बॉटलों से बनाए हैं और फ्रेंड्स मैंने इन पर ये फैब्रिक ग्रिल का एक्रेलिक कलर किया है. फ्रेंड्स, आप ये कलर जो है बहुत ही हीट रेजिस्टेंट होता है, सनलाइट रेजिस्टेंट होता है और वाटर रेजिस्टेंट होता है. तो हम अपने प्लांटर्स को बाहर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. हम इन्हें सनलाइट में भी रख सकते हैं और बारिश के टाइम पे पानी में भी रख सकते हैं. फ्रेंड्स, ये सारे प्लांटर्स मैंने इसी तरह कलर किए हैं और मैं ऑयल पेंट्स का भी बहुत यूज़ करती हूँ. मैं इन्हें प्रीफर इसलिए करती हूँ क्योंकि ये एक्रेलिक कलर से ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं. और फ्रेंड्स, इस तरह के जो ऑयल पेंट्स होते हैं वो आपको किसी भी पेंट शॉप पर इजीली मिल जाते हैं. फ्रेंड्स, मैं इन्हें पेंट करने के लिए इस तरह के ब्रश का यूज़ करती हूँ और जो डिटेलिंग है माउथ पार्ट्स की उसके लिए मैं ये छोटा ब्रश यूज़ करती हूँ. फ्रेंड्स, मैं इसी ब्रश से इसकी जो डिटेलिंग है माउथ पार्ट्स की, जैसे आईज है और इसके जो भी नोज और है, वो सारे मैं इसी से बनाती हूँ. फ्रेंड्स, मैंने स्टोन पर भी कुछ पेंट किया है. इस तरह के जो फ्रूट्स है जैसे ये स्ट्रॉबेरीज है, आप भी बना सकते हैं इस तरह से. मैंने काफ़ी सारे जो स्टोन्स हैं उन्हें भी कलर करके इस तरह रखा है. फ्रेंड्स, मैंने इस तरह के जो कंटेनर है उस पर कलर करके उसमें एक इस तरह का प्लांट लगाया हुआ है. फ्रेंड्स, मैंने इसके नीचे काफ़ी सारे होल्स किए हैं. आपको भी इस तरह से ड्रेनेज होल करने पड़ेंगे इसमें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर आप इस प्लांट को देते हैं वो सारा ड्रेनेज होल के थ्रू नीचे से निकल जाए. फ्रेंड्स, मैंने इस प्लास्टिक की बॉटल को यहाँ से कट किया है और यहाँ पर मैंने इस तरह का जो पाइप है वो लगाया है. फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ पर टेप से सील किया है और इस तरह से इसे लगाया है. इसे मैं इस तरह के जो गमला होता है उसके सेंटर में डाल के यहाँ पर मिट्टी भरूंगी ताकि ये इस तरह से सेट हो जाए. फ्रेंड्स, मैंने और भी काफ़ी सारे कंटेनर्स जो वेस्ट पड़े थे हमारे घर में उससे इस तरह के हैंगिंग पॉट्स बनाए हैं. जैसे मैंने इसमें इस तरह के प्लांट्स डाले हैं, मैंने उसके अंदर पॉटुले का प्लांट डाला है और मनी प्लांट भी डाला है. आप भी इस तरह के प्लांट, जो भी आपके घर में वेस्ट तरह के प्लांटर्स पड़े हैं, आप उन्हें यूज़ करके इस तरह से कलर करके बना सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर